निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल, आयुक्त रोहित व्यास एवं जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देशानुसार निगम भिलाई क्षेत्र में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 24 जनवरी को आखिरी शिविर लगाकर किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर निगम क्षेत्र में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर का समापन 24 जनवरी को हो गया। इन शिविरों के माध्यम से निगम क्षेत्र की जनता ने अपनी कई समस्याओं का समाधान पाया, क्योंकि इस शिविर को लगाने के लिए सख्त निर्देश थे कि इनमें आए हुए आवेदनों का निराकरण त्वरित रूप से किया जाए। इसमें पेंशन संबंधी आवेदनों के साथ पट्टा नवीनीकरण, मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन तथा मुख्य रूप से आधार कार्ड नवीनीकरण एवं निर्माण आयुष्मान कार्ड बनाने के आवेदनों की संख्या सबसे ज्यादा रही और इन सभी आवेदनों के निराकरण निर्देशानुसार त्वरित रूप से किए गए। शिविर के अंतिम दिन भी आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड संबंधित प्रकरण ही ज्यादा देखने को मिले। देखिए, माननीय महापौर महोदय, कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जन समस्या निवारण शिविर वार्ड क्षेत्रों में आयोजित किया गया था और इसके तहत में जितने भी जो समस्याएं हैं, जो शासन की स्कीम है जैसे, और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लाइट हो गया, प्रकाश व्यवस्था हो गया, सफाई हो गई, इसके अलावा पट्टा हो गया, पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो कैंप लगे थे। आधार से संबंधित और आयुष्मान कार्ड बनाने से संबंधित जो है आवेदन ज़्यादा प्राप्त हुए हैं आज के शिविर में, और इसमें क्या है, लोगों को लाभ मिल रहा है क्योंकि आधार अपडेशन का काम ज़्यादातर हो रहा है। अभी जो पेंशन है उसमें 2016 से जो पूर्व वाले हैं, जिनका पेंशन नहीं भी होगा, सिस्टम में नहीं होंगे, उनसे 2016 से पूर्व जिन्होंने भी मतलब आधार कार्ड बनवाया होगा तो उनका डॉक्यूमेंटेशन और उनका बायोमेट्रिक करना अनिवार्य है। एक्चुअल में पहले डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं हुए थे, तभी ये जो आधार कार्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो 2016 से पहले वालों को आधार कार्ड अपना अपडेट करवाना होगा, तो उसको लेकर भी जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आधार नंबर वही रहेगा लेकिन कार्ड जो है वो नया हो जाएगा। तो ये जरूरी सेवाओं का लाभ जो है वो निगम के जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से मिलेगा। जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से होता नजर आया। भविष्य में भी ऐसे शिविरों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि निगम क्षेत्र में निवास करने वाली जनता समय के अभाव की वजह से कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते और उनकी समस्या बढ़ती जाती है, और इस शिविर के माध्यम से सभी की समस्याओं का निराकरण तत्काल रूप से हो जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।